क्या तुम कुछ परेशान हो? परेशानी छोड़ो और म्यूजिक बंद करो। वो बदमाश कमांडर अभी आने वाला है। लियो नवा, एग्जाम में सब चमचागिरी कर रहे हैं। ओह, ये स्टाइल कैसी लग रही है? मुझ पे अच्छी लग रही है क्या? बिल्कुल चुड़ैल जैसी तो दिख रही हो। ये बताओ, क्या ये विका भी हमारे साथ आ रही है? कोई तकलीफ? पेट्रिकेवा कह रही थी कि बाहर आने के लिए तुम कुछ ज्यादा ही परेशान थी। बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पाई। मरीना बस भी करो, हमें देर हो रही है। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? क्योंकि हमारे साथ आना है तो टिकट तुम्हें खरीदना होगा। कुछ सुना तुमने? सुनकर आश्चर्य हो रहा है। लियोनावा, ये क्या कर रही हो तुम? क्या पंच मारा था ना? सीधा इधर लगा। हाँ, मैं बैठ सकता हूँ? नहीं। मदद करूं? जरूरत नहीं है। सॉलिड पंच था तुम्हारा। भाषा विज्ञान के साथियों, मैंने तुम लोगों की एग्जाम बुक चेक करके साइन कर दी है। कुछ स्टूडेंट्स को पास भी कर दिया है जो इस एग्जाम में फेल थे। मुझे दया आ गई थी उन पर। मैं तुम लोगों में से कुछ को सर्दियों से पहले नहीं मिलूंगा, लेकिन तुम लोग अपनी स्टडी और रिसर्च पर ध्यान देते रहना। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर। ए, धक्का क्यों मारता है? पेट्रिक वह कह रही थी तुम नहीं आ रही हो। मैं आ रही हूं। सब ठीक तो है? हाँ। जरा माचिस देना। ये लीजिए। ये तो लाइटर है, अच्छा है। मेरा दोस्त इजिप्ट से लाया था। इजिप्ट, जहाँ जादू ही खजाना होता है, तुम्हें मालूम है? ये सब पुरानी कहावतें हैं जिसे हम मानते हैं, ज्ञान और ताकत की। मुझे मालूम है। क्या तुम्हारी पढ़ाई में कोई मदद करती है? खोज अभी जारी है सर। मरीना, मैं तुम्हें काफी वक्त से यहाँ देख रहा हूँ, रहस्यमय और जादू की बात करते हुए। मैं जानता हूँ ये सिर्फ सच्चाई से भागते रहना है, माया जाल की दुनिया से पीछा छुड़ाना है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप चमत्कारी ताकतों में यकीन नहीं रखते? बिल्कुल भी नहीं। माफ कीजिएगा सर, लेकिन यहाँ काफी ठंड है। लगता है मैंने तुमको नाराज कर दिया। नहीं, बल्कि फिर भी अगर
क्या होगा सर अगर चमत्कारी ताकते हों और आत्माएं हमें वो ज्ञान दे जो हम तलाशते हैं और वो हमें दूसरों पर विजय पाने की ताकत दे। दोस्तों के पास जा रही हो? बेचारी लड़की पूरी तरह से वहम में डूबी है। लियोनोवा, तुम हमें ये बताओ क्या बाबा यागा मौजूद है? बताओ ना, हम जानना चाहते हैं। जंगल में जाएंगे तब वही हकीकत का पता चलेगा। कैसी हकीकत? यही कि आत्माएं होती भी है या नहीं। तुम्हें पता है बाबा यागा जंगली आत्मा है। हम वहाँ जंगल में लोगों को ढूंढने गए तो वो हमें पकड़ लेगी और मार डालेगी। लियोनोवा, क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम क्या सोचती हो? बाबा यागा कोई परियों की कहानी नहीं है, वो एक जीवित आत्मा की सदस्य है और उसका घर एक कब्र है। वो दूसरी दुनिया के दरवाजे की पहरेदार है और पता है वो अंधी है। बाहर आने वाले को उसकी खुशबू से पहचानती है। वो लाशों का खाना परोसती है और अगर इनकार किया तो वो तुम्हें खा जाएगी। ये सब हकीकत है। कमाल हो गया, मजेदार था। बेवकूफ। हम लोगों को क्यों डराते हो? यज्ञा यहाँ स्लेव्स में साइबेरिया से आई है। जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ नहीं मिलेगी। हमें कौन मिलेगा? लैपलैंडिश चुड़ैल। खतरनाक जानवर। अरे भाई, उस गांव का नाम क्या है ड्राइवर साहब? वहां कोई गांव नहीं है, आगे रास्ता बंद है। भूतों का गांव। जंग से पहले सब कुछ छोड़ दिया है। माफ करना, मैंने तस्वीर ले ली। मां कसम, मैं उसी इलाके से हूँ। लेक करेलिया। एक उस्तिक, मैं किसे पसंद करूं? खुद को संभालो। लेकिन ये बताओ, हम वहां पहुंचेंगे कैसे? अपने पैरों पे चल के। और कैसे? आखिर हमें जाना कहाँ है? वहां रुतो लाखती रहता था। रुको। ये ले। रुक जाओ। थक गई हूं और कोई रास्ता नहीं दिख रहा। बाहर आओ राक्षसी आत्माओं, सुना तुमने? आर्थर, आओ आकर पकड़ो हमें। अब चलो, हम सब जल्दी आगे बढ़ते हैं। जा रहे हमें। ओहो, क्या है ये? संभल के आओ। रुको, कोई है।
तुम लोग स्टूडेंट्स हो? तुम सभी लोगों का स्वागत है। एक मिनट बच्चों, मैं तुम्हें फ्राइड आलू देती हूँ। फ्राइड आलू? हाँ, खुद लेकर खाओ मेरे बच्चों। थैंक यू, फ्राइड आलू मुझे अच्छे लगते हैं। तुम सबका भविष्य कब बताऊं, अभी या सुबह तक इंतजार कर सकते हो? सुबह तक का इंतजार करते हैं, ये सारे बच्चे काफी थक गए हैं। ठीक है, सुबह तक, चलो ठीक है। पानी का इस्तेमाल या बीज या कुछ और? तुम लोग किस तरह के जादू में दिलचस्पी रखते हो? रखते हैं। कौन से जादू में? हम मोहब्बत के जादू के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, और उससे बचने के जादू के बारे में? हम जानना चाहते हैं काले जादू से कैसे बचा जाए। बिल्कुल, तुम सब कुछ ही देर में देखोगे, शुरुआत करते हैं। लेकिन तुम इस जंगल में कर क्या रही थी? क्या तुम सब अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख नहीं सकते? मैं मशरूम और बेर जमा कर रही थी और सर्दियों के लिए दवा सुखा रही थी। आधी रात? लगता है रात को भी बहुत अच्छा दिखता है। मेरी आंखें ठीक हैं और मैं सब कुछ देख सकती हूँ। वो मोटे पेट वाली बाबा यागा है, मुझे तो पक्का यकीन है। लेकिन इसने ये सफेद कपड़े क्यों पहने? इन सफेद कपड़ों का कोई राज है जो तुम पहनती हो? खूनी पिशाच पकड़ ना सके। लेकिन वो कैसे? प्यारे बच्चों, उनको सफेद लिबास से डर लगता है। क्या ये बात सच है? हाँ बिल्कुल। कमॉन मरीना, मैं ये सब नहीं कर सकती। कबाब में हड्डियां कहां से आ गई? मरीना, मरीना, माफ करना, ये सारे बच्चे जवान हैं, तुम अच्छी तरह समझ सकती हो। मरीना, मरीना, वो कहाँ गई होगी? चलो चलकर उसे ढूंढते हैं। सर आप भी हमारे साथ? हाँ हाँ, मैं भी आ रहा हूँ। कहाँ गई होगी, क्या करूँ? हाँ,
चलो चलो जल्दी चलो। गुड बाय। गुड बाय बच्चे। ओके थैंक यू। इलाका बहुत खतरनाक है और दलदल से भरा हुआ। मरीना, 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 तुम डरो मत। लगता है ये उस बूढ़ी औरत का कुत्ता है, शायद हमारे पीछे चलाया है। ये हमें घर ले जाना चाहता है। चलो चलते हैं। लेकिन तू भाग क्यों रही हो? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें हो क्या गया है? बात क्या है? हम सब परेशान हो गए थे। मैं ठीक हूँ। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा? मैं मरना चाहती हूँ। बकवास मत करो, चलो। लियोनोवा। मरीना। गोस्टिक। लियोनोवा। लियोनोवा। मरीना। गोस्टिक। मरीना। लियोनोवा। विका संभाल कर। शुक्रिया। ये कहाँ लेके आ गए हमें? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। चारों तरफ जंगल ही तो है, कुछ दिखाई भी नहीं दे। पता नहीं कहाँ आ गए। बस थोड़ा डर लग रहा था। भाई ये जमाना 21वीं सदी का है। हम लोग तो आजाद हैं। फिर प्रॉब्लम किस बात की है? खामोश रहो। अच्छा ठीक है। गोस्टिक। तुम्हें हमारे साथ यहाँ नहीं आना चाहिए था। और जो भी चमत्कारी बातें तुम करती हो वो तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है? कुछ ज्यादा तो नहीं, लेकिन गड़बड़ लग रहा है। मुझे तो डर लग रहा है। दरवाजा तोड़ सकते हो क्या? रुको। बहुत मजबूत है। ये तो बहुत डरावना है। मरीना, मरीना, तुम ठीक तो हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ। चलो शुक्र है। मरीना, कैसी जगह है? समझ में नहीं आ रहा है। ये कितना डरावना खंडर है। ये भूतों का शहर है। यहाँ बढ़ई और साधु लोग रहा करते थे। ड्राइवर बता रहा था यहाँ पहले कोई घर नहीं था। अगर यहाँ घर नहीं था तो ड्राइवर का परिवार कहाँ रहता था? वो देखो दरवाजा टूटा हुआ है। मैंने तो ये बात सोची ही नहीं सर। वही तो, सोचने के लिए भेजा चाहिए। मरीना, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं। यहाँ हम लोगों के साथ ये सब क्या हो रहा है? मुझे क्या पता,
हाँ। ये क्या था? थोड़ा संभल के इधर आओ। कैसी अजीब जगह है। इसके जैसा हमारे यहाँ कब्रिस्तान है। फालतू की बात करना बंद करो। ये देखो बेवकूफ, तुम्हारे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई है। अब यार मोबाइल की बैटरी खत्म होने से मैं कैसे बेवकूफ हो गया? जरा चुप रहो, यहाँ मोबाइल चार्ज करने के लिए बिजली भी नहीं है। हाँ। कुछ सोचना पड़ेगा हमें। बिल्कुल। विक्का नीचे आओ। नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। तुम क्या कह रहे थे? हाँ? आर्थर के साथ काम नहीं करोगे? हाँ, मुझे उसके साथ काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो पसंद है। ये रोशनी कैसे हो गई? उधर कोई है। हाँ? फोटो लो। कुछ दिखाई नहीं दे रहा। खींचो। हाँ? खींचो। हाँ, खींच तो रहा हूं ना। ये क्या था? क्या है? क्या ये आवाज कैसी? ये क्या हो रहा है? चलो यहां से। हाँ। मरीना, दोनों को अभी यहां से इसी वक्त भाग जाना चाहिए। मरीना, मरीना, चलो घर चलते हैं। हम नहीं जा सकते। हम बूढ़ी औरत के घर चलते हैं। तुम जानते हो कौन है ये? मुझे क्या पता ये कौन है। मैं देखती हूँ। छुओ मत उसे। मरीना, मरीना, क्या हो इसको? मालूम नहीं। जल्दी निकलो, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। जितनी जल्दी हो सके मदद भेजो, हमें तुम्हारा इंतजार है। स्टूडेंट को बचाना है, जल्दी करो। हम लोग सब अभी नॉर्थ वेस्ट के जंगल में हैं। एथनोग्राफिक एक्सपीडिशन, हमारी बात समझ में आ रही है आपको? पानी लाओ जल्दी। जितनी जल्दी हो सके मदद भेजो। इमरजेंसी सर्विस से बात कर रहे हैं। हम जल्द पहुंच रहे हैं, आप मदद के लिए जल्दी वहां पहुंचिए। मुझे लगता है कि अब ये मर जाएगी। चुप करो, हमें उसे बचाने की कोशिश करनी। ओह माय गॉड, ये तो पूरी काली हो गई है। अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। ये देखो कितनी डरावनी दिख रही है, चुड़ैल जैसी। अपनी बकवास बंद करो। अबे ओए हीरो मत बन। ए झगड़ो मत, क्या कर रहे हो तुम दोनों? रुक जाओ, शांत हो जाओ, झगड़ा मत करो। मैं कहता हूँ झगड़े, रुक जाओ। क्यों झगड़ा करते हो? मुझे लगता है सफर यही रोक देना चाहिए। ऐसा क्या हुआ जो हमारी मदद की जरूरत पड़े तुमको? उसे उसे तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत है, उसे जल्दी ले जाना बहुत जरूरी है। जल्दी चलिए प्लीज। कैसा फील कर रही हो तुम? पानी पी लो जल्दी। सुनो,
क्या हुआ? वो कौन है? वो हमारी मदद के लिए आए हैं। अभी तक तो वो जिंदा है, जल्दी चलिए। वो हमारी मदद करने वाला नहीं है। चलो चलो जल्दी आओ जल्दी। मरीना मरीना, स्टूडेंट को उठाओ, इसे यहाँ से लेकर चलते हैं। जरा रुकिए, आप लोगों का इंचार्ज कौन है बोलिए? कौस्टिक के साथ बाद में पूछना, अभी जल्दी करो। पहले आप लोग इसका चेकअप तो करिए, ये तो पता चले कि इसे हुआ क्या है। कौस्टिक, इसे पहले ट्रीटमेंट की जरूरत है। इसका ब्लड प्रेशर चेक करो, जो सबसे पहले किया जाता है। लेकिन आप लोग तो इसे सीधा उठाकर हेलीकॉप्टर में ले जा रहे हैं। आप लोगों के पास इसे ले जाने के लिए स्ट्रेचर भी नहीं है, ऐसा क्यों? तुम सिर्फ देखने का काम करो, जो कुछ भी करना है वो हम लोग करेंगे। डरने की कोई जरूरत नहीं है। कौन है आप लोग और आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें एक मैसेज मिला था कि एक स्टूडेंट गिर गया और उसे शॉक लगा था, वो जिंदा है। कहाँ हुआ ये हादसा? ये वक्त बहस करने का नहीं है, सबसे पहले हमें उस स्टूडेंट को लेकर यहाँ से जल्द निकलना है। आप इंक्वायरी बाद में कर लेना, समझे? मरीना मेरी तरफ देखो, हमारा वक्त बर्बाद मत करो। मुझे तुम पर कुछ शक हो रहा है। मुझ पर शक? लेकिन क्यों? स्टूडेंट कहाँ है मुझे दिखाओ। मरीना क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। शुक्र है कि तुम ठीक हो। पहले हमें अपना काम करने दो, तभी तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते। स्वागत है। यूं अचानक आपका आना, मूड हुआ घूमने चला है, तुमसे मिलना भी था। हमें आपसे मिलकर बहुत खुशी होती है मिस्टर अलेक्जेंडर। आपके स्वागत में ये रोटी नमक है, ये हमारे पूर्वजों की रीति है। सही बात है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। क्या बात है? आप सही थे, ये गोल्ड शील्ड है और इसमें जाल की तरह बुना हुआ एक नक्शा दिखाई दे रहा है। तुम बोलते जाओ। यहाँ हादसा हुआ है,
एक स्टूडेंट घायल हो गई है। चलो ठीक है, मैं आ रहा हूं। तुम लोग हिम्मत मत हारो, ये सब क्या हो रहा है? सर कहाँ है? क्या तुम बेवकूफ हो या नाटक कर रहे हो? सर मर चुके हैं। तुम धीरे बोलो जरा। उस खंडर में जरूर कुछ था। हाँ आर्थर, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हाँ शायद वहाँ कोई खजाना दफन है और कोई आत्मा भी होगी। देखो मैं सच बोल रहा हूँ। तुम चुप रहो, मैं कोई पागल नहीं हूँ। ऐसे क्या देख रही हो? अगर तुम लोग चुप नहीं हुए तो और भी खतरे का सामना करना पड़ेगा तुम लोगों को। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे घर जाना है। सभी लोग अपने अपने मोबाइल बाहर निकालो, शायद किसी को सिग्नल मिल सके। यहाँ तो मिलो दूर तक कोई टावर नजर नहीं आ रहा है, तो सिग्नल कहाँ से है? ये तो गाड़ी की आवाज है। मैंने तुम्हें बहुत दूर तक तलाशा और तुम यहां बैठी हो। ये तो सिर्फ एक बुत है। बुत है? क्या तुमने स्टूडेंट का पता लगाया? कहां गए होंगे वो लोग? मुझे ऑर्डर का इंतजार था। हेलीकॉप्टर उन लोगों को ढूंढ रहा है। मुझे उसकी तलाश है जो शील्ड को ले गया है। किसी भी कीमत पर वो मुझे चाहिए। दौलत के साथ मेरी इज्जत का सवाल है। सबको पकड़ कर लाओ। खाली हाथ मत आना। गाड़ी रोको, रोको। क्या हुआ? लगता है थक गए हो। चलो बैठो। चलो जल्दी बैठ जाओ। चलो जल्दी करो, जल्दी चलो, जल्दी करो, जल्दी। चलो मरीना, हम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। मरीना, लियोनोवा, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम जल्दी से ऊपर आ जाओ, जल्दी आ जाओ। वो कोई इंसान नहीं था जिसने हमारे प्रोफेसर को मारा है। ये पागल हो गई है। तुम आ रही हो या नहीं? हम इसके साथ नहीं जा सकते। कोस्टेक, जैसी तुम्हारी मर्जी, हम जा रहे हैं। हम वापस आएंगे इन लड़कियों को छोड़कर। पुलिस को साथ लेकर वापस आएंगे हम। हेलीकॉप्टर हम लोगों पर हमला कर सकता है और हो सकता है कि हमें देखने के बाद ये लोग हम पर गोलियां बरसा सकते हैं। तुम लोग चरस तो नहीं पी रहे हो? अगर ऐसा है तो गलत है। सिगरेट सेहत के लिए हानिकारक है। हाँ? नहीं, इसमें चरस तो नहीं है। हम गर्दुले नहीं है, हम स्टूडेंट्स हैं। हम झूठ नहीं बोलते, हम पर यकीन करो। लगता है इनकी मौत आई है। तुम लोग छुप जाओ।
तुम नीचे उतर के आओ, फिर बात करते हैं। नीचे उतरो। सुना नहीं? क्या तुम बता सकती हो ये क्या हो रहा है मरीना? तुम मरते मरते कैसे बच गई? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं कुछ नहीं जानती, उस चुड़ैल ने कुछ कर दिया था। क्या कोई बता सकता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है? ये लोग कौन हैं? मुझे तो ये लोग इंसान लगते हैं। मरीना सच कह रही थी। लेकिन सच बात तो ये है कि इस खेल को उसने ही शुरू किया है। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? कुछ दिखाई भी नहीं देता। पहुंचने पर मालूम हो जाएगा तुम्हें। जैसा तुम चाहो। बेकार है। क्या क्या सोचते हो? क्या सोचता हूँ? जैसे सब ठीक चल रहा है। मैंने ऐसा कब सोचा? ये तुम्हें कैसे पता मरीना? मुझे भूख लगी है। तो लो ये खा लो। तुम ही खा लो। तुम हर हादसे के बारे में कैसे जान जाती हो? बोलो ये कैसे होता है? हम यहाँ कैसे फंस गए हैं? वो हमें मारना चाहते हैं। मुझे जानने का हक है। तुम शांत हो जाओ। हमें जहां पहुंचना था हम वहां आ गए हैं। ये क्या हो रहा है? एक बार घर पहुंच गई तो कभी ऐसे पिकनिक पे नहीं जाऊंगी। हाँ मैं भी। वो चोरी देखे क्या? हम लोग घर कब पहुंचेंगे? क्या तुम लोग खाना नहीं खाओगे मेरे फरिश्तों? हमें खाना वाना नहीं चाहिए, जानकारी चाहिए। वो बोलो तुम। तुम्हें बताने को मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हें अपने आप ही सब पता चल जाएगा। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता बचा है मेरे दोस्तों, और वो है उन चुड़ैलों की झील। क्या मतलब? मैं सिर्फ सरहद की रक्षा करती हूँ, और वो भी सिर्फ दो जगह की, करतसुप की और दिजुलबार की। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानती। मैं चुड़ैलों तक कैसे पहुँच सकती हूँ? ये कुत्ता तुम्हें चुड़ैलों की बस्ती तक ले जा सकता है। उसके बाद तुम्हें वहाँ अकेले रहना होगा। मुझे माफ करना। चुड़ैलों की झील। ओह, तब तो कोई बात नहीं। मुझे फिक्र करने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। मुझे फिजिक्स पढ़ना चाहिए था। इनके सब विक्का, चुप रहो, बदतमीजी मत करो। क्या बोला? मैं बदतमीजी कर रही हूं? गंदगी के पुतले। बहुत हो गया विक्का, हमें औरों की भी फिक्र करनी चाहिए। किसकी? यहां से निकला कैसे जाए? उठो भाषा विज्ञान के पंडितों। डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम लोगों से बात करना चाहता हूं।
मेरा नाम साशा है, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम में से खातू माने कौन गया था। क्या बोला, कहाँ? जमीन के नीचे। सब लड़कियों को छोड़ो, हम चलते हैं। शील्ड किसे मिली? तुम लोगों में से कौन है वो? वो तो उसे शील्ड उन दोनों को मिली थी जो यहां पर नहीं है। कहां है वो? अगर तुम हमें जाने दोगे तब मैं बताऊंगा। और तुम्हें जिनकी तलाश है वो यहां नहीं है, और उस लड़की का नाम मरीना है। अब मैं जो कहता हूं वो ध्यान से सुनो। अगर तुमने मुझे सारी हकीकत नहीं बताई तो यहां से जाने की बात तो दूर, मैं तुम्हारी जिंदगी का खेल अभी खत्म कर दूंगा, और जो मैं कहता हूं वो करता हूं। तुम्हें लगता है हमें वहां जाना चाहिए मरीना? कहां जाना चाहिए? चुड़ैलों को देखने? हमें पुलिस को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। हाथ ऊपर, होशियारी की तो गोली मार देंगे। प्लीज गोली मत चलाइए। पहले बताओ तुम लोग कौन हो? हम स्टूडेंट हैं और एक कुत्ते का पीछा कर रहे हैं चुड़ैलों का घर ढूंढने के लिए। कुत्ते का पीछा चुड़ैलों का घर ढूंढने के लिए? मरीना बताओ ना। ये बिल्कुल सच बोल रहा है। वो बूढ़ी औरत जो झोपड़े में, उसने हमें कहा था। वो मशरूम वाली बुढ़िया? अरे ले चलते हैं इन्हें। बेवकूफ स्टूडेंट्स, चलो मेरे साथ, हम बताते हैं जादुई जोकर कहाँ रहता है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम लोग बकवास कर रहे हो? चुड़ैल, हेलीकॉप्टर, जंगली भेड़िया, ये क्या बकवास है? ये एक लावारिस गांव है जहाँ सिर्फ कब्रिस्तान है। मैं आपको सच कह रही हूँ, अब भी उनके निशान मौजूद है। यहाँ से वो बहुत करीब है। हाँ, बहुत ही ज्यादा करीब है। मैं इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। यहाँ पर कभी भी कोई गांव नहीं था। सुनो, तुम लोग इनको कुछ खाने को दो, मैं हेडक्वार्टर से बात करता हूँ। तुम मेरे साथ आओ। बोलो मरीना। मुझे नहीं पता। कुछ तो जानती होगी। शायद उस बूढ़ी औरत ने हम लोगों से मजाक किया था, और जो हम लोगों ने देखा वो एक सपना था। क्या मैं भी सपना देख रहा था? पहले तुम दोनों कुछ खा लो। खाने के लिए शुक्रिया। कोई आवाज सुनाई दी? मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई दी। और तुम्हें? नहीं। कंपन महसूस नहीं हो रहा है? सब कुछ हिल रहा है। तुम हमें देख सकती हो। टोबैको यूज लीड्स टू अर नहीं करते हैं। मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। चिल्लाना बंद करो। वेरी गुड गर्ल। Thank you.
अपनी मंजिल से क्या मैं एक कदम दूर हूं? अपनी मंजिल से मैं खुद पूछ रहा हूं, हजारों साल पुराने सवाल का जवाब पाने को तैयार हूं। अब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शार, अब तुम जा सकते हो। हेलो। हेलो। मैंने आपको टीवी पर देखा है, आप पार्लियामेंट में भाषण दे रहे थे। वो मेरा शौक है, मेरा असली काम यही है। यहीं पर पैदा हुआ था मैं। आज से 2000 साल पहले मेरे पूर्वज बैलगाड़ियों में काजल लेकर आए थे। ये सब तुम लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि तुम मेरे से होशियारी ना करो। अब मुझे ये बताओ कि तुम लोगों में से चुड़ैल की शील्ड किसने ली थी? मैंने ली थी। काफी समझदार हो, आओ मेरे साथ। क्या तुम्हें पता है कि कल तुम जिंदा रहोगी या नहीं? शील्ड उठाते वक्त कैसा महसूस हुआ था तुम्हें? एक झटका, जैसे मैंने बिजली के नंगे तार को छुआ हो। उसके बाद चारों तरफ अंधेरा छा गया और उसके बाद मैं बेहोश हो गई, और फिर उसके बाद मुझे नहीं पता कि मैंने क्या किया या मेरे साथ क्या हुआ। कोई और होता तो शायद मर चुका होता। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? उन्होंने मुझे छोड़ दिया था। छोड़ दिया था तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? बहुत अफसोस की बात है। कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हुआ था उनके साथ? वो एक शैतान था। तुम मुझे सच सच बताओगे? उसका सिर काट दिया गया था और घुटने के नीचे से पैर भी काट दिए गए थे ताकि वो कभी भाग ना सके। यही सही तरीका था। मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सका, बिल्कुल लाचार था। बहुत कोशिशों के बावजूद मैं उन्हें बाढ़ रैक से वापस नहीं ला सका। चलो अंदर। ध्यान से देखो इस शील्ड को। ये काफी अच्छी शील्ड है, यही तो है जो मुझे चाहिए। ये तो मेरे पिताजी की आत्मा है। इसने तुम्हारे पिता की आत्मा को पूरी तरह अपने काबू में कर लिया है। इस शील्ड को उठाकर अपने पिता की ताकत को अपने काबू में करो। ये ताकत एक मंत्र में छुपी है, जो मंत्र सिर्फ तुम ही जानती हो। मुझे कोई मंत्र का पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मैं अचानक कुछ बदल सी रही हूं। तुम्हें कोई जादू आता है? मुझे कोई भी जादू नहीं आता। ये तुम्हारे दोस्त है ना? अब उड़ा दो। जादू या मंत्र? मैं सच में कोई जादू नहीं जानती, नहीं जानती। नहीं, छोड़ दो, मैं जादू नहीं जानती। प्लीज
जादू या मंत्र। हमें मत मारो, ये समझने की कोशिश करो, हमने कोई गलत काम नहीं किया है, क्यों मार रहे हो हमें? जल्दी बोल। नहीं जानती मैं, मेरा यकीन करो, मैं जादू नहीं जानती, छोड़ दो उसे प्लीज, प्लीज छोड़ दो उसे, मैं कोई मंत्र नहीं जानती। अब तुम्हें उन चुड़ैलों की झील को ढूंढना होगा। तुम उनसे मंत्र पूछोगी और मुझे आकर सुनाओगी। अगर कल आधी रात तक लौट कर नहीं आई तो हर एक घंटे में तुम्हारा एक दोस्त मरेगा। पर मुझे चुड़ैल कैसे मिलेगी? हम तुम्हें ले जाएंगे। तुम पर यकीन नहीं, इसलिए मेरा एक दोस्त साथ में जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चे, हम 3 मिनट में पहुंचने वाले हैं। ये चुड़ैल का इलाका है और यहाँ कुछ भी हो सकता है, इसलिए वही करो जो मैं कहता हूँ, कोई आवाज मत करना। मैं समझ गई, जो भी हो ये लक्ष्य मेरा है और मुझे ही करना है, मैं करूंगी। अपने बारे में सोचो, हम उनसे कब मिल पाएंगे? तुम्हारी जगह पर तुम्हारा बॉस क्यों नहीं आया? वो यहाँ नहीं आ सकते। फिर तुम्हें इजाजत कैसे मिली? क्योंकि मैं इंसान हूँ। और वो लोग? शैतान। शैतान और चुड़ैल क्या एक नहीं होते? ये बहुत ही उलझा हुआ मामला है, दो विरोधी नेताओं जैसी बात है। अब चलो जल्दी, ये चुड़ैलों का अड्डा है। हाँ चलो चलते हैं मरीना, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है चलो। भाग चलते हैं, उसके सर पे डंडा मार के हम भाग चलते हैं। और उन दोस्तों का? वो गिर गया। बचाओ मुझे। डंडा दो मुझे, इसे बचाते हैं। ये लो, पकड़ो इसे, पकड़ो पकड़ो, जल्दी करो जल्दी। ये लो, तुम्हारे पास है। मरीना, मैं फिसल रहा हूं। मरीना, अच्छा काम किया, मुझे बचाया।
तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, खासकर तुम्हारा। क्या हुआ? मुझे याद आया, वो आदमी सेशो है, वो सरकारी आदमी है। मेरे डैडी उसे गवर्नर की जन्मदिन की पार्टी पर मिले थे। उसने यहाँ की जमीन मुंह मांगे पैसे देकर खरीदी थी किसी और बंदे के नाम से। अच्छा, बिना फायदे के कोई इतना बड़ा सौदा तो नहीं करेगा? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मौत हमारे सामने खड़ी और तुम मुझे कहानी सुना रहे हो? मैं तो बस बता रहा था। सो जाओ, अगर सो सकते हो तो। ये आतिशबाजी, चुड़ैलों को मारने का हथियार, तुम बुलाओ उन्हें। उन्हें यहाँ बुलाना बेवकूफी होगी। तुम क्या सोचती हो, उन चुड़ैलों को आम गोलियों से मारा जा सकता है? उससे तो उन्हें सिर्फ खांसी की बीमारी हो जाएगी। उन्हें मारने के लिए नया तरीका सोचना होगा जो तुम्हारे पास है। अगर तुम एक आम इंसान हो तो इन शैतानों के साथ क्या कर रहे हो? हाँ, अगर तुमने क्रॉस को अपनी हिफाजत का शस्त्र बनाया है तो शैतान तुम्हें छू भी नहीं सकते हैं। इसलिए वो मुझे बुलाते हैं। शैतान कभी चुड़ैल के इलाके में नहीं जा सकते, वो जंग लड़ रहे हैं, तभी तो मुझे मोहरा बनाया। ये तरीका अच्छा नहीं। तुम्हारे लोहे के नाखून है, छुपा लो, मिनिस्टर तुम्हारी तलाश में है। ये लो, इसे लगा लो। तुम्हारा मानसिक संतुलन खराब है, वो मिनिस्टर जाए भाड़ में। जबान को लगाम दो। क्या तुम जानती हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? बहस करना बंद करोगे प्लीज? मैं भी पता नहीं किस बात पर बहस करना शुरू कर देता हूँ। क्या करे, चुप नहीं रह सकता। कब मिलेंगे चुड़ैलें? थोड़ा इंतजार करना सीखो। कब तक करना पड़ेगा? हमें तुम्हारा ही इंतजार था। मरीना, ऊपर देखो, हजारों साल पहले एक काला पत्थर धरती पर गिरा। ऐसा कहा जाता है उसमें काले जादू की महान आत्माएं थीं। उसमें इंसानियत के लिए खतरनाक जानकारियां थीं। जादूगरी इल्ट्रोवेलो उन आत्माओं को अंधेरे से उजाले में लेकर आया और उसने उन्हें जंग के लिए ललकारा। शामन ने नाकाम कोशिश की उन आत्माओं को श्राप देने की। उसने उन सभी प्राणियों को मदद के लिए बुलाया जिनके ऊपर उसको पूरा भरोसा था, पर रात का देवता खामोश था और शामन बहुत जिद्दी था। उसने उन आत्माओं के साथ एक सौदा किया। पिल्टो बोलो रात के अंधेरे का महान रहस्य जानना चाहता था और उसके बदले में उसने अपना शरीर भेंट कर दिया ताकि आत्माएं इंसानी मांस के स्वाद का मजा ले सकें। और पत्थरों की आत्माओं ने ये बात मंजूर कर ली। इल्ट्रोवेलो के शरीर को ताकत मिल गई, पर सबसे कीमती और महान आत्मा को उसने खो दिया। Ugh.
हम आ चुके हैं, हम भीतर हैं। अपने साथियों की फिक्र मत करना, वो अंदर नहीं आ सकते। मेरे साथी मेरे साथ अंदर क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि वो इंसान नहीं जानवर है, और मेरा नाम हलीफ है। तुमसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम मरीना है, और तुम्हारा नाम? मेरा नाम हलीफ है। पर तुम यहाँ पर क्यों आई हो? बताओ कि तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं एक खास मकसद से यहाँ पर आई हूँ। मैं अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर यहाँ आई हूँ। अलेक्जेंडर ने मुझे यहाँ पर एक खास मंत्र लेने के लिए भेजा है। यहाँ कोई भी मंत्र नहीं जानता। लेकिन उसने बोला मैं मंत्र ढूंढ सकती हूँ। क्या जरूरत है? मुझे हर हालत में मंत्र चाहिए। ताकि मंत्र तुम उसे दे सको? हाँ बिल्कुल, वरना मेरे दोस्त बेवजह मारे जाएंगे। तुम जानती हो वो मंत्र क्यों चाहता है? तुम जानती हो वो कौन है? अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो गया तो दुनिया को किसका इंतजार होगा? मौत का इंतजार होगा। बहुत हिम्मत वालों ने उसे मारने की कोशिश की। वक्त के रुकने पर उन्होंने शांति की प्रार्थना की और मदद की गुहार लगाई। हमारी महारानी इल्टोबेलो को हराने में कामयाब हुई। रात की आत्मा लैबिरिंथ में घूम रही है, हमेशा बाहर जाने का रास्ता ढूंढती है। लड़के का क्या हुआ? वो अलेक्जेंडर हर्शील को ढूंढता फिर रहा है। लेकिन उस शील्ड से उसको क्या हासिल होगा? उसे लगता है उस शील्ड में उसके पिता की आत्मा है, पर वो गलत है। पत्थर की आत्मा ने इल्टोवेलो की आत्मा को नष्ट कर दिया। अगर आत्मा भाग जाती है तो अंधेरा धरती को निकल जाएगा। तब हमारी रानी ने अपने आप को कब्र में बंद कर लिया, और ये सोचकर कि शील्ड का रहस्य उसके साथ ही खत्म हो जाएगा। माफ करना, मुझे पता नहीं था। मैं तुम्हें दोष नहीं देती, पर ताकत उन्हें ही मिलती है जो उसे ढूंढ लेते हैं। जब तुमने शील्ड को छुआ, ताकत उसी वक्त तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई। तुम्हें चुड़ैलों की रानी बनना होगा और शील्ड को वापस करना होगा, वरना दुनिया खत्म हो जाएगी। क्या तुम्हें लगता है कि ये लड़कियां हिंदी बोलती होंगी? जरूर बोलती होंगी, अगर वो हिंदुस्तानी होंगी तो। चुड़ैल बहुत सुंदर होती हैं। सुना तुमने, तुम बहुत सुंदर हो। सुन रही हो, तुम बहुत ही खूबसूरत चुड़ैल हो। वो शायद बैरी होगी। दिल कह रहा है कि इसके गाल को चूम लो बस एक बार। अगर दोबारा कोशिश की तो जान से जाओगे, समझ गए? बहुत खतरनाक है। अब बदतमीजी मत करना। कोई पुलिस चुड़ैल है अगर मैं गलत नहीं हूं तो। मुझे माफ करना। सोचो तुम्हें क्या करना है। मैं सोच नहीं सकती, बहुत डरी हुई हूं। मुझे तो बस वो मंत्र चाहिए, रानी वाला। तुम्हें सोचना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हारे मकसद का हल निकल पाएगा। ठीक है।
अब शुरू करो। पानी तुम्हारे अंदर है, तुम पानी में हो। अब तुम चुड़ैलों की रानी बन गई हो, स्वागत है तुम्हारा। हाँ मैं जानती हूँ, स्वागत है रानी, स्वागत है रानी। तो अब आगे क्या करना है? शील्ड को लाओ, दूसरों की जान बचाओ। शील्ड के लिए वो सबको मार सकता है। मैं ही एक अकेली हूँ जो उसे रोक सकती हूँ। हेल्विस ने मुझसे कहा था कि एक उन्माद की तरह है, समझे? ये अपने आप आएगा, फिर भी मैं साथ चलूंगी। तो क्या फिर ये मंत्र मदद नहीं करेगा? मदद क्यों नहीं करेगा? कैसे करेगा बता मुझे। मैं नहीं बता सकती। मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, तुम्हारे लिए मुसीबत मोल ली। हाँ तो ये बात है, समझे? हाँ समझ गया। मैं तुम्हें एक झटके में मार सकता हूँ, और तुम एक बहादुर लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें अपनी सेवा का मौका देता हूँ। कहानी खत्म। तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारे पिताजी शील में नहीं है। मैं उस लड़की को कमजोर समझ रहा था। उसका क्या हुआ जिसकी आकृति में अलेक्जेंडर नजर आया था? ये बताना मुश्किल है मेरी रानी, यहाँ तक कि पाषाण काल में भी कोई ऐसा नहीं कर सका। हेल्विस को तुरंत संदेश भेजो, हमें उसकी मदद की जरूरत है। मैं उस पर जंग का ऐलान करती हूँ। ये तो कुछ ज्यादा ही ताकतवर निकली। अरे क्यों डरा रहे हो यार? ठीक है दोस्तों, वो हमें कभी भी मार डालेंगे, मेरा मतलब हम सिर झुका के नहीं मरेंगे, हम मुकाबला करेंगे। हम उन्हें बता देंगे कि हम कायर नहीं हैं। मुकाबला करेंगे? हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो दोस्त, तुम सब मेरा साथ दोगे? तुम तैयार हो? हाँ
मेरा हुक्म मानो, किसी एक को लाओ। जल्दी लाओ। किसको? और किसी को नहीं, लड़की को लेकर आओ। और दूसरों का? खत्म कर दो। आर्थर, छोड़ो उसे। बढ़िया, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं जिंदा छोड़ूंगा। बहुत टॉर्चर किया तुम शैतानों ने, ये लो, ये लो, छोड़ो मुझे, मैं इसे जान से मारूंगा। ये सब क्या हो रहा है? छोड़ो। ये एक संगीत की धुन है जैसा हम कभी स्कूल में सीखा करते थे। आज का माई, तुम्हें पिछले साल का सेमिनार याद है? चुड़ैल का आखिरी शब्द और मंत्र ही उसकी ताकत होती है, पर तब हमें यह बात बकवास लग रही थी, पर अब हर किसी को इन शब्दों का पालन करना होगा। हाँ, यहां तक कि जानवर भी ये करते हैं। मैंने भेड़ियों को चारों पैरों पर चढ़ते हुए देखा है। इस बात में सच्चाई है? झूठ, ये सब बकवास है। आर्थर, तुम लोगों को महफूज जगह ले जाएगा, और जॉर्डन और मैं अलेक्जेंडर की खबर लेते हैं और मरीना को ढूंढते हैं। मुझे यकीन नहीं है वो जिंदा होगी, पर मुझे यकीन है। कहाँ है मरीना? मेरे सवाल का जवाब तो कहाँ है मरीना? नहीं बताऊंगा तो क्या कर लोगे? तुम लोग जानवर हो, तुम्हें पता नहीं तुम किससे होशियारी कर रहे हो। अब तुम्हें मरना ही पड़ेगा। मैं शैतान हूँ, महान शैतान का बेटा हूँ। मैंने हजारों सालों से इस ताकत को इकट्ठा किया है, और तुम सोचते हो कि तुम मुझे हरा दोगे? अलेक्जेंडर, बोलो बच्चे, तुम्हें क्या चाहिए? मैं जानता हूं तुम कौन हो, और ये भी जानता हूं तुम क्या चाहते हो। तुम अपनी ताकत मेरे साथ बांटो, वरना समझ लो कि मैं तुम्हें मार दूंगा। हरगिज नहीं। मेरे पास 8 कारतूस और बचे हैं। तुम्हारा सिर लोहे का नहीं है, पर मेरा निशाना पक्का है। क्या इसे मार सकते हो तुम? आराम से, कसम उसकी जिसने तुम्हें ताकत दी है। सोर्सरर की कसम कोई मायने नहीं। सोर्सरर की यही कसम है जिसका कोई वजूद है। तो मैं भी कसम खाता हूं, अपने पिता की अपनी जान और ताकत तुम्हारे साथ बांटूंगा। Ah!
गोली चलाओ ना तुम। मेरा निशाना बहुत पक्का है।
क्या तुम परेशान हो? परेशान नहीं तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। वो सब मर चुके हैं, इससे मैं बहुत खुश हूँ। वाकई में आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। तुम जानती हो कि तुम एक चुड़ैल बन चुकी हो। अब इंसानों की तरह सोचना बंद करो, अब चुड़ैलों की तरह सोचना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। उसने मंत्र का उच्चारण किया था और मैंने एक एक शब्द सुने हैं। मैंने तुम्हें वही मंत्र बताया था जो उसे खत्म करने के लिए था। तुमने बिल्कुल सही सुना। इसका मतलब कि मैं रानी नहीं हूं? बिल्कुल सही, मैं रानी हूं। पर तुम्हें यह जानना जरूरी है कि हम हजारों साल जिंदा रहेंगे, इंसान पैदा होगा और मरेगा, लेकिन हम अपनी दुनिया में अंतकाल तक रहेंगे। प्यार हमारी कमजोरी है और इंसान को प्यार करना और फिर उसे मरते देखना, इससे बड़ा दुख और कोई नहीं है। तुम्हें महसूस हो रहा है? मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है। मरीना, इस दुनिया को एक चुड़ैल की नजर से देखना शुरू करो। तुम चुड़ैल बन चुकी हो। अब हमारी दुनिया अलग है मरीना। तुम वापस इंसानों की दुनिया में नहीं जा सकती। नहीं। मरीना, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती, पर ये सच है। नहीं। तुम चुड़ैल बन चुकी हो मरीना। मुझे चुड़ैल नहीं बनना। सच में चुड़ैल बन चुकी हो। नहीं, मुझे चुड़ैल नहीं बनना। पर अब कुछ नहीं हो सकता मरीना। तुम्हें स्वीकार करना होगा। रुको, बात सुनो मेरी। दोस्तों, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम इस बात को नहीं समझ पाओगे कि मैं कितनी खुश हूँ। पागल है वो। ये बात हम सब दोस्तों को मालूम है सर। इतना प्यार करते हो तुम एक दूसरे से, हमें तो पता ही नहीं था। इसका मतलब ये है कि वो दूसरी दिशा में पेगिन से क्रिश्चियन डेगिमा की तरफ चली गई। और दूसरे शब्दों में कहें तो जादू अपनी ताकत कभी नहीं खोता। विधि का विधान अटल है। इंसान को रहस्यमय शक्तियों से ऊपर का स्थान दिया गया है।
उन शक्तियों को हमेशा हमने हराया है और यही हमारे अगले पेपर का विषय होगा। अब हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान देना होगा क्योंकि यही हमारी जिंदगी का लक्ष्य है। तो प्लीज आप लोग इस वक्त कॉन्सेंट्रेट करें, सक्सेस हम सबको जरूर मिलेगा, हम सब कामयाब होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। शांत हो जाओ स्टूडेंट्स। एक बार फिर से तुम्हारा शुक्रिया है मरीना, उस मजेदार और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जो पेपर के लिए दी। अब मैं उस इंसान से आपको मिलवाता हूँ जिनकी मदद के बिना मरीना के पेपर और हमारा टूर और हमारे विभाग की रिसर्च कभी पूरी ही नहीं होती। ये हमारा सौभाग्य था कि ऐसे इंसान की हमें मदद मिली है। वो कोई और नहीं है, यहाँ के मिनिस्टर मिस्टर अलेक्जेंडर। हेलो बच्चों,